यस हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स. जय श्री श्याम टू ऑल. सो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज एक्सप्लोर फिजिक्स पे लॉन्च हो चुकी हैं. आप एक्सप्लोर फिजिक्स का ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं. ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि टेस्ट सीरीज के की फीचर्स क्या क्या रहेंगे, क्या क्या कंटेंट उसमें रहेगा, एडिशनल बेनिफिट्स हम उसके अंदर क्या दे रहे हैं. ठीक है, और कौन कौन सा टेस्ट कब कब तुम्हारे पास में होगा, टोटल कितने नंबर ऑफ टेस्ट होंगे, उनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. ठीक है, उन सभी के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि देखो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में एक बहुत अच्छा पोस्ट है. ठीक है, तो आई होप आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि अक्टूबर में संभावित डेट बताई जा रही है एग्ज़ाम की. और अब आपको जो आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है, जो आपने कंसेप्ट समझे हैं, क्या वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो वो आपको पता लगेगा टेस्ट सीरीज से. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपका जो ये टेस्ट सीरीज है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त से. ठीक है, चलिए उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, उन सभी के आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे, रिटर्न सॉल्यूशन. सभी क्वेश्चंस के रिटर्न सॉल्यूशन आपको मिलेंगे उसके अंदर. ठीक है, जैसे ही आपने टेस्ट सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन में व्यू सॉल्यूशन देखने का ऑप्शन आता है, वहां जाके उनके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं. ठीक, अगर टेस्ट एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि जिस डेट को दे रखा है उसी डेट को करें, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसको बार बार जरूर देख सकते हैं, आप सॉल्यूशन को बार बार देख सकते हैं, क्वेश्चन को बार बार देख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब देखो ये टेस्ट सीरीज हमने जो डिजाइन की है वो 3 स्टेज में की है. ठीक है, पहला स्टेज आपको बताएगा कि आपको अपना प्रिपरेशन चेक करना है कि आपने जो प्रिपरेशन किया है वो किस तरह से किया है. तो स्टेज फर्स्ट जो है, जस्ट चेक योर प्रिपरेशन. स्टेज सेकंड जो रहने वाला आपके पास में, वो इम्प्रूव योर मिस्टेक्स. यहाँ पे स्टेज फर्स्ट में आपने जो मिस्टेक्स की है उसको इम्प्रूव करके आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप कर सकते हैं स्टेज सेकंड के अंदर. और फाइनल टच कौन देगा, स्टेज थर्ड, जस्ट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. योर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जो स्टेज थर्ड होगा, जो कि फुल मॉक टेस्ट होंगे. ठीक है, इसमें आपको पता है स्टेज फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, आपके टोटल 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे. ईच टेस्ट में जो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, 1 आवर का टाइम रहेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है फिजिक्स का, 3 घंटे में आपका जो है 150 क्वेश्चंस करने होते हैं. तो उसी पैटर्न के ऊपर हमने सब्जेक्ट टेस्ट बनाया है 1 आवर्स का, 50 क्वेश्चंस का. ठीक है, तो 9 सब्जेक्ट्स होंगे स्टेज फर्स्ट के अंदर. स्टेज सेकंड के अंदर आपके टेस्ट 10 टेस्ट होंगे, 9 सब्जेक्ट्स के तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जो मिस्टेक्स आपने यहाँ पे की है उन मिस्टेक्स को ओवरकम करना है स्टेज सेकंड के अंदर. ठीक है, और साथ में एक टेस्ट आपका इसमें और होगा, जिसको अपन नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं, उसका अलग से टेस्ट होगा एक. ठीक है, और 5 आपके पास में फुल मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें एक टेस्ट में अपन 50 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अच्छा, इसका जो फीस रहने वाला है वो 2100 आपके पास फीस रहेगा. ठीक है ना, और वैलिडिटी रहेगा वो 3 मंथ का रहेगा. अभी एग्जाम नवंबर में बता रहा है, तो अगस्त का पूरा सितंबर और अक्टूबर है ना, 3 मंथ का आपका वैलिडिटी रहने वाला है. ठीक है, चलिए. अच्छा, इसका जो शेड्यूल है वो 27 जुलाई को ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ना, मैं यहाँ पे भी बताऊंगा आपको इसका शेड्यूल. अच्छा, इसमें एडिशनल बेनिफिट्स और हैं, क्या है वो अपन आगे देखेंगे इसके अंदर. ठीक है, चलिए. यस, देखिए, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका 1 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है. इसमें टोटल 19 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, स्टेज फर्स्ट में 9, स्टेज सेकंड में 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे. ठीक है ना, 5 फुल मॉक टेस्ट होंगे तुम्हारे पास, एक पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस होंगे टोटल फिजिक्स के. डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑल टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल्ली बेस्ड ऑन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम. ध्यान रखना है ना, ये फुल्ली उसी के ऊपर होगा जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे एग्जाम होता है, उसी के बेसिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं. ठीक है, चलो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दे रहे हैं. ठीक है, इसमें आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी. ठीक है ना, शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलेगी, शेड्यूल मैं बता रहा हूँ अभी आपको. फीस मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तुम्हारे पास में 2100 फीस रहेगा. ठीक है, चलिए अब इसका शेड्यूल क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ. यस, आई होप आपको दिख रहा हो. तो टेस्ट पैटर्न क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. इसमें टोटल आपके पास में
इसमें देखो टोटल आपके पास में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 19 टेस्ट आपके पास में होंगे ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, 19 टेस्ट होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके पास में होंगे एक टेस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मॉक टेस्ट आपका फुल मॉक टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 5 फुल मॉक टेस्ट होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ ईच टेस्ट आपको बताई दिया, फीस आपको बताई दिया। चलो अब शेड्यूल क्या है वो देख लीजिएगा। शेड्यूल आपके पास में है, देखो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, ठीक है, जस्ट चेक योर प्रिपरेशन। स्टेज फर्स्ट में क्या है, जो सब्जेक्ट वाइज पहला टेस्ट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का रहेगा, ठीक है। ये पेपर, दो पेपर होते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में फिजिक्स के, तो पेपर सेकंड है ये, और इसका जो डेट है वो 1 अगस्त आपके पास में है, ठीक है। अच्छा, मैं पहले ही बता चुका हूँ 1 अगस्त को हम अपलोड कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप वो टेस्ट 1 अगस्त को ही अटेम्प्ट करें, आप जब का आपका टेस्ट सीरीज वैलिड रहेगा तब तक उस टेस्ट को आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स का होगा, उसका डेट 4 अगस्त को दे रखा है। तीसरा 7 अगस्त को है मैथमेटिकल फिजिक्स का। चौथा टेस्ट आपका होगा सोलिड स्टेट फिजिक्स कंडेंस मैटर फिजिक्स का 11 अगस्त को। पांचवा टेस्ट आपका होगा क्वांटम मैकेनिक्स का 15 अगस्त को। छठा टेस्ट आपका होगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का 19 अगस्त को। 7 टेस्ट आपका, इस तरह से आपके देखो ये 8 टेस्ट बता रहे हैं ना। चलिए शेड्यूल में वैसे भी आपको अपलोड कर दूंगा, सोशल मीडिया पर मिल जाएगा आपको, है ना। और इसके अलावा तुम्हारे पास जो अपना टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है वहाँ पे भी आपको शेड्यूल इसका मिल जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 8 हो गए थे तुम्हारे पास में, जो 9 है सब्जेक्ट वाइज 9 टेस्ट, ठीक है, वो आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ठीक है। ये आपको मिलेगा 31 अगस्त को, ठीक है, यानी कि अगस्त का पूरा मंथ आपका स्टेज फर्स्ट के अंदर जाएगा। स्टेज सेकेंड आपका जस्ट इम्प्रूव योर मिस्टेक, जो कि आपने मिस्टेक्स की थी स्टेज फर्स्ट के अंदर, उसको इम्प्रूव करके आपको ये टेस्ट देने हैं। सब्जेक्ट वाइज जो 10 होगा क्लासिकल मैकेनिक्स का ही होगा, वो 5 सितंबर को होगा। सब्जेक्ट वाइज 11 आपका टेस्ट जो होगा थर्मोडायनेमिक्स का, वो 8 सितंबर को होगा, ठीक है। जो 12 होगा मैथमेटिकल फिजिक्स का 11 सितंबर को। 13 होगा सॉलिड का 15 सितंबर को। क्वांटम मैकेनिक्स का 14 होगा 18 सितंबर को, ये 21 को। इस तरह से तुम्हारे पास में ये टोटल, और ये देखो एक अलग से मैंने बताया है सर्किट एनालिसिस का, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है ना, वो आपका होगा दैट इज 3 अक्टूबर को, है ना, 3 अक्टूबर को। तो ये टेस्ट सीरीज तुम्हारा यहाँ तक चलेगा। इसके बाद में जो स्टेज थर्ड है, जस्ट फॉर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, तो ये इसका डेट मैं आपको नहीं दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि जब आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा उससे जस्ट पहले ये 5 टेस्ट आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। तो क्या इसका डेट रहने वाला है, जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा हम यहाँ पे डेट इसका अनाउंस कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टेज थर्ड आपके पास ये रहने वाला है, टोटल 5 मॉक टेस्ट आपके पास में रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये तो टेस्ट सीरीज की बात हो गई, मैंने बोला हम इसमें एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको देंगे, ठीक है। तो एडिशनल बेनिफिट्स आपके पास क्या रहने वाला है, देखो जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट 10 इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, सब्जेक्ट नाम ये टॉपिक और ये डेट हो गया। सबसे पहले न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का आपको 5 अगस्त को मिल जाएगा, रेडियो एक्टिविटी का, पूरा रेडियो एक्टिविटी एज इट इज आपको पूरा उसके अंदर मिल जाएगा। पढ़ लोगे, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट हो, चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, ठीक। नेक्स्ट, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स, ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीजन फंक्शन जनरली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आए हुए हैं, आपके सिलेबस में भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ये 10 अगस्त को आपका अपलोड होगा। क्वांटम मैकेनिक्स, हाइड्रोजन एटम कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां से, ये 15 अगस्त को आपका अपलोड होगा, ठीक। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में स्पेशल फंक्शन अपन देखेंगे, जो कि 20 अगस्त को आपका अपलोड होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में BJT कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, ये 25 अगस्त को अपलोड होगा। एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में लेजर कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, ये आपका जो है 30 अगस्त को होगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हॉल इफेक्ट 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जनरली स्टूडेंट यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो आपको क्लास मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए चाहे न्यूमेरिकल आ जाए, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। क्लासिकल मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज, 1 क्वेश्चन फिक्स है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से क्वेश्चन पूछता है। और ऑप्टिक्स के अंदर पूरा इंटरफेरेंस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, इस डेट के अकॉर्डिंग वो जो है पूरा अपलोड होगा आपके पास में। तो ये पूरा टेस्ट पैटर्न है भाई, इसका PDF मैं हर जगह शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार के लिए वापस से अपन चलते हैं इसमें। यस, देखो आपका जो इसमें फीस था 2100 है, 2100 रुपये फीस है, ठीक है। तो आप कैसे इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु प्ले स्टोर से,
वहाँ पे स्टोर में जाके आपको दिखेगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज, वो आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स आगे अपकमिंग जो भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए या फिर और जो बेनिफिट चाहिए, ठीक है, तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लेंगे, ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर फोली नेक्स्ट वाले में दे रखे हैं, ठीक है, नहीं दे रखे हैं कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। देखो, आपको जैसे ही आपने टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लेंगे, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। क्या व्हाट्सअप करोगे? एक तो आप रिसिप्ट व्हाट्सअप करोगे, ठीक है, दूसरा आप क्या व्हाट्सअप करोगे, आपका फोटो व्हाट्सअप करोगे, ठीक है, और तीसरा आपका नेम व्हाट्सअप करोगे। जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे, ध्यान रखना, वो इस नंबर के ऊपर आपको ये तीनों चीज़ें मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। फीस बता चुका हूँ मैं, जो टेस्ट सीरीज होगी वो फुली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पैटर्न पे होगी, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल पार्ट एंड कंसेप्चुअल पार्ट ये सब मिलेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोर्स के लिए पूछ रहे थे, ठीक है, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि वो लाइव कोर्स ले पाएँ, तो वो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं जो कि हमारा 9000 का है। इसमें साथ में इंक्लूड टेस्ट सीरीज रहेगी और इसका जो वैलिडिटी रहेगा किसका, इस कोर्स का, वो रहेगा आपका 4 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, ठीक है। ये भी ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अपलोडेड है। देखो, ये बेनिफिट्स कहाँ रहेगी, अब कोई बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर अब चार हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम कहाँ से पूरा कोर्स देख पाएंगे, तो पूरा जो स्टूडेंट्स तैयारी कर चुके हैं ना, उनको कभी भी पूरा कोर्स नहीं देखना होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ लिया है ना, मान लो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स या आपने स्किप कर दिया, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब आरपीएससी में तो हम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं, मैंने ये जो 9000 वाला कोर्स है ना, इसमें सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है, तो वो टॉपिक भी आपको करना जरूरी है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने फ्लूइड डायनेमिक्स छोड़ दिया, फ्लूइड डायनेमिक्स आप 2021 में देखना आरपीएससी के पेपर में 2 क्वेश्चन फ्लूइड डायनेमिक्स के पूछे हुए थे, ठीक है ना, मतलब वो सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं मैंने क्लास के अंदर। आप जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, सब कुछ पढ़ रखा है। मान लो आपने एक्सेलरेटर नहीं पढ़ा, लीनियर एक्सेलरेटर, साइक्लोटोन, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है आरपीएससी के अंदर, तो वो आपको आना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी तो चलो मैं टेस्ट सीरीज में भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डिटेक्टर, जीएम काउंटर्स वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इस वाले पोर्शन के अंदर आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, नेटवर्क एनालिसिस, थ्योरम ये नहीं पढ़ते, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके नेटवर्क एनालिसिस से पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक जो आप कवर नहीं करते हो जनरली नेट के जब प्रिपरेशन करते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हमने नेट का तैयारी किया है तो आरपीएससी का एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो, बहुत कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि कुछ टॉपिक छोड़ चुके हैं, नहीं किए हैं उन्होंने वो टॉपिक्स, तो आप फिर ये वाला कोर्सेज के लिए जा सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिसने सभी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो फिर वो ओनली जो टेस्ट सीरीज अपना है उसमें जा सकते हैं। जो ये वाला कोर्स लेंगे उनको टेस्ट सीरीज अलग से परचेज करने का जरूरत नहीं है, उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगा। जो टेस्ट सीरीज जिनको प्रैक्टिस करना है ओनली, वो ओनली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।